कई लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसके वजह से आपके वीडियो में ना तो व्यूज आता है और ना ही आपका वीडियो वायरल होता है। आज जो दोस्तों मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, ये तरीका दोस्तों 100% काम करेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग वीडियो अपलोड करने के बाद कितनी दफ़ा YT स्टूडियो एप्स ओपन करते हैं और बार बार रिफ्रेश करके देखते हैं कि कितने व्यूज आए, कितने सब्सक्राइबर बढ़े, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोग मेरा पूछें तो मैं दोस्तों तकरीबन 5 से 6 दफ़ा वीडियो अपलोड करने के बाद बार बार YT स्टूडियो एप्स ओपन करता हूं और देखता हूं कितने व्यूज आए, कितने सब्सक्राइबर बढ़े, क्योंकि यार मेहनत इतना ज़्यादा लगता है। और जब दोस्तों 4-5 व्यूज आया या फिर किसी किसी का ऐसा भी होता है कि 0 व्यूज आता है, तो दोस्तों वो बंदा डीमोटिवेट हो जाता है और वीडियो को अपलोड नहीं करता। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को YT स्टूडियो ऐप में ही छुपे हुए कुछ ऐसे राज बताने वाला हूं, जिसके वजह से दोस्तों आप अपने वीडियो में व्यूज भी ला सकते हैं और अपने वीडियो को वायरल भी करवा सकते हैं। आपको किसी थर्ड पार्टी ऐप्स उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यूट्यूब ने खुद वो ऑप्शन आपके अपने YT स्टूडियो ऐप में दे दिया है। बट दोस्तों आप में से 90% लोगों को उस ऐप्स के बारे में नहीं पता होगा, उस खुफिया राज के बारे में नहीं पता होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोगों को YT स्टूडियो का राज में आज आप लोगों को बताने वाला हूं आपके अपने YT स्टूडियो एप्स में। कई लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसके वजह से आपके वीडियो में ना तो व्यूज आता है और ना ही आपका वीडियो वायरल होता है। आज की वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आप लोग वीडियो स्किप करके देखते हैं, आपको पार्ट समझ में नहीं आता, फिर आप लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि भाई हमें ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया या फिर हमारे व्यूज नहीं बढ़ रहे, हमें किस तरीके से काम करना। तो दोस्तों वीडियो को विदाउट स्किप के स्टार्टिंग से एंड तक देखें। आप लोगों का चैनल नहीं बढ़ता है यानी कि आपके वीडियो में व्यूज नहीं आता, तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देगा और लाइक कर दिएगा। उससे पहले दोस्तों शर्त यह है कि आपको वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक लाजमी देखना होगा। दोस्तों वीडियो को यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो दोस्तों मैं आपको तरीका बताने वाला हूं, ये तरीका दोस्तों 100% काम करेगा। और इससे भी जो बढ़कर है, जो कि 200% काम करने वाला तरीका है, वो है दोस्तों आपके वीडियो का कंसिस्टेंसी। जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोग किसी बड़े क्रिएटर का वीडियो देखते हैं और जाके जब उसमें कमेंट करते हैं कि भाई हमारे चैनल में ये मसला आ रहा है, हमारे चैनल में वो मसला आ रहा है, तब मैं दोस्तों जाता हूं उनके कमेंट के जरिए आपके चैनल पे। तो जब जाके देखता हूं कि आप में से बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो वीडियो को अपलोड करते हैं, तो एक वीडियो आज अपलोड किया तो एक वीडियो 15 दिन या फिर 10 दिन बाद वीडियो अपलोड करते हैं। आप में से 90% लोग ऐसी हैं। आपको अपने चैनल में कंसिस्टेंसी बनाना है और रेगुलर मेहनत करके रोज वीडियो को अपलोड करना है। सबसे बड़ा गलती आप लोग यही करते हैं कि वीडियो को अपलोड नहीं करते। दोस्तों आपको कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसा एप्स नहीं है, कोई ऐसा यूट्यूब का एल्गोरिथम नहीं है कि आपके वीडियो को वायरल कराए और उसमें व्यूज लाए। जब तक आप YouTube में सीरियस नहीं होंगे, जब तक आप YouTube पे रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, तब तक आपका चैनल ना बढ़ेगा और ना ही आपके वीडियो में व्यूज आएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने चैनल को करने के लिए उसमें रोज डेली के बुनियाद पे वीडियो डालना, तो हफ्ते में 1 या 2 वीडियो लाजमी आपको अपलोड करना है, कंसिस्टेंसी लाजमी बनाना है। अब उसके बाद दोस्तों चलता हूँ YT स्टूडियो एप्स में और वहां पे चल के आप लोगों को बताता हूँ कि खुफिया राज क्या है और आप इसका इस्तेमाल करते हुए अपने वीडियो में ज्यादा व्यूज किस तरीके से ला सकते हैं। चलिए मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से YT स्टूडियो ऐप्स अपना ओपन कर लेता हूँ आप लोग। तो जैसे दोस्तों आप लोग अपना YT स्टूडियो ऐप्स ओपन करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों नीचे के साइड आपको दिखाई दे रहा होगा एनालिटिक्स का ऑप्शन। सिंपली दोस्तों आपको एनालिटिक्स में क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आप लोग इसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ये सारा दोस्तों इंटरफेस आ चुका है और ऊपर के साइड अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिसर्च अवर व्यू कॉन्टेंट ऑडियंस। तो दोस्तों वो जो खुफिया राज है वो है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसर्च टैब, जो कि दोस्तों YouTube ने कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया है और अपडेट दिया है। तो सिंपली दोस्तों आप लोगों को जैसे इसी में क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि सबसे पहले लिखा हुआ रहा एक्सप्लोर टॉपिक, उसके बाद लिखा हुआ रहा सर्च, उसके बाद लिखा हुआ रहा है टॉप जो सर्चिस है वो, और उसके बाद लिखा हुआ रहा टाइटल यूट्यूब इनकम, यूट्यूब बड़े यूट्यूबर का इनकम, फिर उसके बाद लिखा हुआ रहा है रिसेंट वीडियो। अब दोस्तों यहाँ पे आपको समझना क्या है कि सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ से आप अपने टॉपिक को सर्च कर सकते हैं, यानी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ रहा है, उसके नीचे आ रहा है यूट्यूब इनकम का ऑप्शन, और अगर उससे थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ आ रहा है रिसेंट वीडियो, और यहाँ पर शफीक जाफरी का चैनल आ रहा, उसके बाद 90 मेंटोर का चैनल आ रहा, जो कि कुछ दिन पहले इन्होंने वीडियो अपलोड किया था। और ये दोस्तों मेरे को इसलिए सजेस्ट कर रहा है क्योंकि मैं टैक्स रिलेटेड चैनल बनाता हूँ, यानी कि वीडियो बनाता हूँ,
तो मेरे को टैक्स से रिलेटेड ये जितने भी चैनल आ रहे हैं ना, टैक्स से रिलेटेड चैनल है, तो इनका वीडियो सजेस्ट कर रहा ताकि आप इनसे कुछ सीख के अपने वीडियो में भी लगाएं या फिर इनका डिस्क्रिप्शन और टैग कॉपी करके अपने वीडियो में लगाएं। इससे आपका वीडियो वायरल भी होगा और आपके वीडियो में व्यूज़ भी आएगा। पहला तरीका दोस्तों ये हो गया। अब दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि यहाँ पर जो सर्च का ऑप्शन आना, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग अपना टॉपिक यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ हाउ टू गेट मोर व्यूज़ ऑन YouTube। अब दोस्तों मैंने ये सर्च कर लिया। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ गया सर्च टर्म्स। मैं सिंपली दोस्तों क्या करता हूँ कि इसमें ना क्लिक कर देता हूँ। जैसे दोस्तों इसमें क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ आ रहा है हाउ टू गेट मोर व्यूज़ ऑन यूट्यूब, मेरे टाइटल लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद लिखा हुआ आ रहा सर्च ऑन यूट्यूब, यूट्यूब पे क्या क्या सर्च हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट मोर व्यूज़ ऑन यूट्यूब। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा आगे करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, हाउ टू प्रोमोट योर यूट्यूब चैनल। तो ये क्या हुआ, तीन जो ये जो सजेस्ट हो रहा है ना, ये यूट्यूब का अपना ऐप्स मुझे सजेस्ट कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि इस टॉपिक के ऊपर अपना वीडियो बनाऊँगा और ये वाला जो टाइटल है ना, ये जो लिखा हुआ रहा हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, इसको यहाँ थ्री डॉट में क्लिक करके यहाँ से कॉपी भी कर सकता हूँ और सेफ सर्च भी कर सकता हूँ। मेरे अच्छे खासे व्यूज़ आएंगे। अब यहाँ से आप टैग कैसे फाइंड कर सकते हैं, यानी कि टैग्स भी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन बना हुआ रहा है ये वाला, तो इसमें सिंपली आप लोग क्लिक कर देना। जैसे ही दोस्तों आप लोग क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इतने सारे आपको टैग्स YouTube खुद प्रोवाइड कर रहा है। आपको किसी थर्ड पार्टी ऐप्स की ज़रूरत नहीं है। जैसे वीडाइक्यू वगैरह में देता था ना टैग्स वगैरह कॉपी करने का, तो अब YouTube खुद अपने YT Studio ऐप्स में दे रहा है और खुद प्रोमोट कर रहा है। और YouTube का चीज़ कभी भी गलत नहीं होता है। तो यहाँ से आप इतने सारा जो टैग्स है ना, ये कॉपी करके अपने टैग्स में लगा सकते हैं। तो इतने सारे यहाँ पे टैग्स आ रहे हैं, ये सारे कॉपी करके आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि हाई वॉल्यूम, उसके बाद लिखा हुआ हाई वॉल्यूम, इसके बाद लिखा हुआ हाई वॉल्यूम। दोस्तों ये सब वो टैग्स हैं जो कि YouTube खुद सजेस्ट कर रहा है और ये सब सबसे ज़्यादा YouTube पे लोग सर्च कर रहे हैं। इसलिए जो तीसरा तरीका है कि आपको अब कीवर्ड वगैरह सेव कैसे करना है, अगर आप तीन चार टॉपिक ढूंढ के रखें तो उसे आप सेव कैसे कर सकते हैं इसी YT Studio ऐप्स के अंदर। तो इसके लिए दोस्तों आपको देखिए सिंपली यहाँ पे जैसे अब YouTube इनकम लिखवा रहा, अब ये टाइटल को मेरे को सेव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो हार्ट का बटन आ रहा है ना, इसमें क्या करूँगा मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे दोस्तों इसमें क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर के साइड मैं यहाँ पे दिखाऊँ कि हार्ट टू लिखा हुआ आ गया। अब मैं इसमें क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या है। ये देखिए यहाँ पे दोस्तों जो मैंने अभी सेव किया ना, वो लिखा हुआ आ गया YouTube इनकम टाइटल सेव हो चुका है। और इससे पहले मैंने एक सेव किया था हाउ टू ग्रो YouTube चैनल, तो ये वाला भी पहले सेव हो चुका है। इस तरीके से आप हज़ारों टाइटल सेव कर सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो भी बना सकते हैं। और जो तीनों तरीका मैंने आपको बताया, ये तीनों तरीका को आप लोग अप्लाई करें, इससे दोस्तों 100% आपके वीडियो में व्यूज़ भी आएगा और YouTube खुद आपके वीडियो को प्रमोट करेगा। क्योंकि तो दोस्तों ये जो मैंने आपको तरीका और मेथड बताया, अपने वीडियो में व्यूज़ ला सकते हैं और अपने वीडियो को वायरल भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो या पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।